अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आ जाइए गाइस, हम जा रहे हैं रिक्शा में। कहाँ जा रहे हैं वो सब मैं आपको बताती हूँ। पहले बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। और देखिए मेरा नया पर्स, मैंने नया पर्स लिया हूँ, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अम्मी की, चाची की, बहू की गोद भराई में। तो हम लोग सब स्टेशन पे सब जमा हो रहे हैं। जैसे कि हम लोग तो एक्सीलेटर से चढ़ गए, अब्बा नहीं चढ़ते, वो सीढ़ियों से ही चढ़ के आते हैं। तो गाइस देखिए मेरे बच्चे, मैं, अम्मी की फैमिली, अल्फिया की फैमिली और हम लोग सब जा रहे हैं। अलीशा कैसी लग रही है देखिए, दोनों भाई बहन मैचिंग हो गए। तो हम लोग सब इधर जमा हो चुके हैं। अम्मी इधर वीडियो में आने के लिए कैसी कोशिश कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं ट्रेन का वेट और अल्फिया शर्मा गई। और देखिए हम सब फैमिली जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें जब हम सब साथ में निकलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, टाइम निकल जाता है। और अलीशा हमें पूछ रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ बताइए। तो अलीशा को इधर जोगेश्वरी बोलने नहीं आ रहा था, अलीशा कुछ उल्टा ही बोल रही थी। आप लोग को तो पता है बच्चे अपनी भाषा में जब बात करते हैं कुछ उल्टा ही बोलते। तो गाइस इतनी गर्दी थी मैं आपको बता नहीं सकती। अलीशा को फिर भी मेरे गोद में आना था क्योंकि मुझे सीट नहीं मिली थी, मैं थी खड़ी। आप देख सकते इतनी गर्दी में मैं खड़ी हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्दी थी। लोग बैठने के लिए बैठने के लिए भी लोग ये कर रहे थे और अंदर घुसने के लिए भी एक दूसरे से मारा मारी कर रहे थे। और इधर अलीशा और अल्फिया दोनों मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे से व्लॉग बना रहे थे। तो मैं आपको बताती हूँ गर्दी, देखिए गाइस इतनी गर्दी, इतना झगड़ा कर रहे थे लोग के पूछो मैम। तो देखिए फाइनली बहन बहन और भाई का प्यार इधर कितना दिख के आ रहा है ना। बहन भाई के गोद में बैठी और देखिए इधर अभी भी झगड़े चालू है, अभी भी मारा मारी चालू है, पता नहीं क्यों। सबको जाना है भाई, कोऑपरेट करना चाहिए ट्रेन में तो, लेकिन लोग नहीं करते। फाइनली हम उतर चुके हैं दादर में। बहुत मतलब पूरी गाड़ी समझो दादर में खाली हो गई थी। और इधर अंकल बेच रहे काले वाले खेकड़े। और इधर देखिए आप लोग, इधर ऐसा मार्केट लगा था पूरा दिवाली का, मतलब जैसा दिवाली आ रही है वो हिसाब से इतना मार्केट लगा था दादर में। देखिए आप देख सकते हैं पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी गर्दी थी, इतनी गर्दी थी, जगह जगह पे पुलिस खड़ी थी। और हमें जाना था दादर से अंधेरी यानी जोगेश्वरी। तो जोगेश्वरी जाने के लिए हमको ओला चाहिए थी, लेकिन ओला आने के लिए तैयार नहीं थी। दो ओला हमारी कैंसल हो चुकी थी। हम जा रहे कबूतर खाना चलते हुए पूरा ब्रिज तक हम लोग चल के गए। वहाँ से हम लोग को फाइनली एक भाई ने टैक्सी में बिठा लिया, बोलते कि चलो बैठ जाओ जो भी हो दे देना। और मैं हंस रही हूँ क्योंकि अब्बा पीछे बैठे थे और अल्फिया मजाक उड़ा रही थी, हम दोनों मिलके ऐसी बात कर रहे थे। और देखिए गाइस माहिम, मैं माहिम की मतलब मेरी बहन के घर के पास से जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उतर के चली जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि हमें जाना था जोगेश्वरी। तो हम लोग वहीं जा रहे, जो काम से जाना था वहीं जा रहे। और देखिए गाइस चर्च के पास ऐसा लग रहा था उतर के चली जाऊँ, पर नहीं जा सकती थी। तो ठीक है माहिम तो अभी ख़त्म हो चुका है, शायद माहिम में ही हम लोग जा रहे हैं अभी, रस्ते में है। थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे हॉल में। बहुत अच्छा लगा फैमिली के साथ जाके। तो फाइनली हम पहुँच चुके हॉल में। जो हमारा हॉल था जहाँ हमें पहुँचना था लोकेशन पे, वहाँ जहाँ गोद भराई थी हम पहुँच चुके। माशाल्लाह हॉल देख के तो दिल खुश हो गया मेरा। मैं तो फर्स्ट टाइम आई, ये लोग सेकेंड टाइम आए, लोग शायद शादी में भी इधर आए थे। तो हॉल तो इतना माशाल्लाह मस्त था। मेरे अब्बा अंदर जा रहे, एसी फुल एसी थी, बहुत अच्छा सुकून लगा। इतनी दूर जाके ऐसा नहीं लगा कि हम कहाँ आए, ऐसा लगा हम लोग बहुत अच्छी जगह पे आए लोकेशन पे। इधर है गोद भराई की रस्म। और पूरे मेरे अम्मी की फैमिली वाले यानी कि मेरे अम्मी के घर के साइड से था ये फंक्शन। और ये देखिए अम्मी का फोटोशूट चालू है और अलीशा बार बार घुस रही है। फाइनली मेहमान आना चालू हो चुके हैं। काफ़ी सारी पब्लिक थी, मतलब हम लोग लिख रहे थे जब तक पब्लिक आ रही थी। और इसका इतराना कम नहीं होता, ये अल्लाह मैं क्या करूँ इसका। और देखिए गाइस इतनी सफाई, बार बार मॉप लगा रहे थे भाई।
और मेहमान आना शुरू हो चुके हैं। मतलब आधे से तो हम लोग थोड़ी देर निकले थे चाय पीने बाहर, फिर अंदर गए, फिर ये दीदी ने हम लोग को जूस पिला दिए। मतलब ठंडा गरम यही चल रहा था। जूस भी काफ़ी अच्छा था। और ये तीसरा हाथ किसका है कमेंट में ज़रूर बताना। और ये हम लोग दोनों का तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने तो मैचिंग कलर का मेरे जूस ली थी, यानी कि मैंने रेड ड्रेस पहनी थी तो मैंने रेड वाला जूस ली। तो देखिए हम मज़े से जूस पी रहे, बाहर चाय पी के और अंदर जूस, इधर चल रहा है फोटो शूट्स। जैसा कि नानी दादा पापा मम्मी सबका फ़ोटो शूट चल रहा है और इधर बच्चे बैठे हैं खाने के इंतज़ार में। लेकिन पब्लिक आते ही जा रही थी तो फाइनली हम लोग सोचे कि हम लोग खाना खाने बैठ जाएंगे क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। बहुत अच्छा था खाना, एकदम यम्मी था। खाने में मैं आपको बताऊँ क्या था, एक वो चीज़ कबाब था ग्रीन कलर का और चिकन क्रिस्पी था चिल्ली टाइप। और ये हमारे बड़े भाई, ये इनके छोटे भाई का फंक्शन था, वो बनने वाले हैं पापा, इसके लिए उन्होंने ये सब इतना बहुत अच्छा प्रोग्राम रखे थे। हम लोग को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आई वहाँ जाके। और इधर दो कोरमे के साथ इंजॉय, दो कोरमा था ग्रीन एंड रेड और नान सैलेड उसके साथ। और मेरे को तो चावल नहीं रहेंगे तो मेरे को तो ऐसा लगता है मैंने खाना ही नहीं खाई हूँ। तो फाइनली चावल थोड़ा लेते हैं और उसके साथ लास्ट में थी आइसक्रीम। आइसक्रीम भी बहुत अच्छी थी। जब तक हम लोग खाना खा रहे थे इधर कट चुका था बेबी शावर का केक, जो फंक्शन का केक था डबल, वो कट चुका था। बच्चे थोड़ा सा शूट कर रहे हैं शाकिर भाई के साथ। उसके बाद हम पैदल निकल गए, 5 मिनट का रास्ता था स्टेशन पे। तो इधर दुकान लगी थी, मतलब सेल, दिवाली सेल था। 250 रुपये में कोई भी सैंडल लो, और सैंडल बोले तो एकदम ब्रांडेड। तो मैंने तो एक ले ली, बाकी इन लोग तो रुक ही नहीं रहे थे, मुझे और भी लेनी थी। इतनी प्यारी प्यारी सैंडल्स पर्स और कपड़े थे, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन हमारे घर वाले जो जाते हैं बड़े छोटे, उनको तो बड़ी घाई रहती, घर पे जाने की भी घाई रहती है और हॉल में भी जाने की घाई रहती। तो देखिए मेरा बेटा पक्का गाँव वाला लग रहा है ना, क्या करेंगे, करना पड़ता है। बच्चे कभी कभी मम्मी का पर्स भी उठा लेते। तो देखिए हम फाइनली ट्रेन में बैठ चुके हैं जोगेश्वरी से दादर आने के लिए, माही माया वापस। अभी भी मैं उतर नहीं सकती क्योंकि बच्चों के दो पेपर और बाकी है। और ये देखिएगा अल्फिया कुछ इधर पटर पटर कर रही है, इसकी पटर पटर तो चालू रहती है, ख़त्म नहीं होती है। फाइनली हम आ चुके हैं घर पे। इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। दस्तागिर तो सो गया है और इधर नमाज लगा रहा है बिस्तर, क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं है, इतनी नींद आ रही है। तो मेरा व्लॉग इधर एंड करती हूँ। आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।